एक बार की बात है, रूप गोस्वामी पाद जी ने कविता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण अंधकार पूर्ण घरों में भी जाकर माखन चुरा लेते थे। पूरा अंधकार है लेकिन उसमें भी जाकर के खोज लेते थे कि कितना ऊंचा छिका है, किधर दही रखा है, किधर माखन रखा है, किधर दूध है, एकदम खोज लेते थे। तो गोपियों ने एक बार आकर के माँ जसोदा को उलाहना दिया कि मैया जसोदा, तुम्हारा लाला आ करके हमारे घर का दही खा गया था, ये खा गया। तो माँ कहती है, तुम क्यों नहीं अंधकार पूर्ण घर में रखती हो, जहां डार्कनेस है, अंधकार है, वहां नहीं जा पाएगा, डरता है, बिल्ली से डरेगा, सांप से डरता है, वो नहीं जाएगा। अरे नहीं, इसको कोई भय नहीं होता। तो किसी गोपी ने कहा, माता जी आप इसको इतना गहना पहना दी है ना, ये गहने चमकते हैं अंधकार में, इस शरीर से गहने चमकते हैं, और गहनों की चमक में, अलंकार के प्रकाश में यह सब चीज खोज लेते। तो माता जसोदा ने गहना उतार दिया कृष्ण का, एक भी नहीं रखा, चोरी में ये गहने सहायता करते हैं, तो उतार दिया। फिर भी कृष्ण का काम नहीं रुका, फिर जाकर चोरी करते थे, फिर आकर के उलाहना दी। तो माँ जसोदा कहती है, मैं तो सारा गहना उतार दी, तो ये अंधकार पूर्ण भवन में कैसे माखन खोज लिया। कोई गोपी कहती है, अरे माता जी आपका लड़का ऐसा है, यह रात में चमकता है, इसके देह से ज्योति निकलती है, तो अब उस ज्योति को माँ जसोदा कहाँ से हटा रहे। तो भगवान के शरीर से वास्तव में दिव्य प्रकाश निकलता रहता, ये जो सूर्य है, ये भगवान विष्णु के नख की ज्योति है, नख की प्रभा का प्रकाश, नख का प्रकाश तो ब्रह्म ज्योति है, और ब्रह्म ज्योति का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन यहाँ होता है सूर्य लोक में, तो वही सारे जगत को प्रकाशित करता है। जस्य प्रभा प्रभव तो जगदंड को, भगवान श्री कृष्ण ज्योतिमय है बिल्कुल, तो उनके नख की प्रभा को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, और ब्रह्म ज्योति का एक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन सूर्य है, तो कितना प्रकाश भगवान में है, और चिन्मय सुंदर दिव्य प्रकाश उनका ऐसा स्वरूप है। तो जैसे वे हैं वैसे उनके परिकर हैं, वैसे वृक्ष है, लता है, इस संसार में वृक्ष जोनी सदा वृक्ष जोनी में ही रहेगा, लेकिन वृंदावन के, गोलोक वृंदावन के जो वृक्ष हैं, वो चाहे तो अभी सखा बन जाएंगे या तृण बन जाते हैं, उस पर कृष्ण लेटते हैं और वो ऐसे छा जाते हैं कि कृष्ण उनमें झूला झूलते हैं, उनका चढ़ते हैं। यहाँ पर सब परवस्था है, कंडीशन लाइफ है, अगर मनुष्य हैं आप तो बस मनुष्य ही रहेंगे, ये देह बदलेगा तब पशु में, चाहे सर्प में, चाहे कहीं जाए, तो उसके पहले नहीं जा सकते। और इस संसार में अगर कोई स्त्री के शरीर में है तो वो स्त्री ही रहेगा, पुरुष नहीं हो सकता। लेकिन अप्राकृत जगत में जो शरीर है वो स्वरूप है, उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। इन बातों को समझने में मनुष्य को देर लग सकती है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पुरुष है, तो पुरुष का उसका शरीर है और उसको पुरुष का ड्रेस पहनाया गया है। इस संसार में अगर वो स्त्री होना चाहे तो इतना ही कर सकता है कि स्त्री का ड्रेस पहन करके थोड़े काल के लिए लगेगा, दूसरे लोग कहेंगे कि स्त्री है ये है, लेकिन तत्वतः स्त्री नहीं हो पाता। अप्राकृत जगत में भगवान का जो स्वरूप है वैसा ही स्वरूप जीव का होता है, और अपनी इच्छा के अनुसार स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, वो पक्षी बन सकता है, मयूर बन सकता है, वृक्ष बन सकता है, कृष्ण को जैसे सुख देना हो सुख दे सकता है। कृष्ण को रिझाने के लिए मयूर बन करके नाचता है, कृष्ण के खाने के लिए फल बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, सब चिन्मय प्रकृति है, वहां जड़ नहीं है। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं कि गिरिराज जी, गोवर्धन जी हैं, वो
भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम के चरण के चरण को सुख देने के लिए जाड़ा में थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाते हैं और गर्मी के दिन में ठंडे हो जाते हैं, पिघल जाते हैं बांसुरी की ध्वनि सुन करके, ये चरण का स्पर्श पाकर बहुत कोमल हो जाते हैं। तो ऐसा स्वरूप है भगवान का और अप्राकृत जगत का स्वरूप है। अतः कुंती महारानी भगवान कृष्ण से प्रेम चाहती है, क्योंकि प्रेम का विषय हमेशा साकार होगा, सविशेष होगा, निर्विशेष हो ही नहीं सकता है। अगर कोई आदमी मान लीजिए आपका विवाह निश्चित कर रहा है, विवाह निश्चित कर रहा है, तो दूसरा आदमी कहेगा कि भाई लड़की का यह स्वरूप है, इतना पढ़ी है, ये है, इतनी ऊंचाई है, उसका बायोग्राफी ये है, तो ठीक है विवाह करना होगा, करेगा नहीं। लेकिन कोई आदमी फोन करे कि एक लड़की है लेकिन निराकार है, मान लीजिए कोई फोन करे, एक मैं जोहा हूं, बहुत प्रभावशाली लड़की है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन निराकार है, तो कोई उत्सुक होगा विवाह के लिए? जो निराकार से ही विवाह करना है तो तब तो निराकार सब जगह है ही, ऑलरेडी विवाह हुआ है। या कोई विवाहित व्यक्ति कहीं गया है और उसको कोई फोन करे, अरे आपकी पत्नी थी लेकिन आज से निराकार हो गई, इन शब्दों का अर्थ क्या होगा? आपकी पत्नी निराकार हो गई, निराकार हो गई या तो जमराज के यहाँ चली गई चाहे कहीं भाग गई, यही अर्थ है ना? तो भागेगी भी तो निराकार तो होगी नहीं, कहीं रहेगी, कैसे ये निराकार निराकार कह करके वैष्णवों का कान फोड़ते हैं लोग भक्तों का, समझ में नहीं आती है ना? निराकार निराकार, ठीक है अपने निराकार को रह करके तुम सुखी रहो, लेकिन कुंती महारानी को तो परम सुंदर श्री कृष्ण चाहिए, जिनमें वो रति चाहती हैं, जिनमें वो मन की धारा को चाहती हैं, प्रेम चाहती हैं, आप में हमारा प्रेम बना रहे हमेशा। दो ही स्थिति है, एक में रहना पड़ेगा, निराकार कोई सत्ता नहीं है, या तो प्राकृत विभिन्नता में रहना पड़ेगा जड़ शरीर आदि में संसार में, और नहीं तो भगवान के धाम में जहां सब कुछ नित्य है, प्रकृति सत्य है, चिन्मय है, आनंदमय है, बीच में कोई निराकार सिराकार है नहीं भी, ये शास्त्र का प्रमाण है। कुंती महारानी तो जड़ धारणा से ऊपर उठ करके भगवान से प्रेम चाहती है, और वही प्रेम के वास्तविक विषय है श्री कृष्ण, वही परम सुंदर है, परम रसिक है, परम आत्मीय है, सुहृद है और नित्य है, ज्ञान पूर्ण है, आनंदमय है, ऐसे भगवान से प्रेम करना चाहिए।